पंजाब के बड़े अस्पतालों में शेल्टर होम्स बनाने की मंजूरी, ग्रुप लीडर एफ्टमा गौर एजाज बोर्ड के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अबूजहबी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के माबेन डिपॉजिट मुआहदे पर दस्तखत, अर्जमान स्टेट बैंक के मुताबिक 2 अरब डॉलर्स की दूसरी किस्त जल्द मौसूल होने की तवक्को। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का फैसला, बिलावल भुट्टो आज नवाज शरीफ की इयादत करेंगे। एलसी के करीब ट्रैफिक हादसा, कोस्टर बेकाबू होकर कार और कई डब्बे से जा टकराई, 4 अफराद जां बहक, 7 जख्मी। कंकोट में खसरे की वबा तेजी से फैलने लगी, 3 बच्चे जां बहक। एवान वजीर आला लाहौर में वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास शुरू। पंजाब के बड़े अस्पतालों में शेल्टर होम्स बनाने की मंजूरी दे दी गई। एफ्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज को बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तो आपको आगाह करेंगे, एवान वजीर आला लाहौर में वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास शुरू हुआ। पंजाब के बड़े अस्पतालों में शेल्टर होम्स बनाने की मंजूरी दे दी गई। इसके साथ साथ एफ्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज को बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। तो आपको बताते चलें कि गौहर एजाज को इस बोर्ड का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। ऐवान वजीर आला लाहौर में वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया। उधर कौफायत शार हुकूमत की दोहरी पॉलिसियां नजर आ रही हैं। पंजाब हुकूमत ने अराकीन असेंबली को मालामाल करने के लिए कमर कस ली है। पंजाब में मजदूर की तनख्वाह तो 16,500 रुपए जबकि अराकीन असेंबली की तनख्वाह 80,000 से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए करने की तैयारी की जा रही है। और आपको बताएं कौफायत शार हुकूमत की दोहरी पॉलिसियां, पंजाब हुकूमत ने अराकीन असेंबली को मालामाल करने के लिए कमर कस ली है। पंजाब में मजदूर की तनख्वाह तो 16,500 रुपए है जबकि अराकीन असेंबली की तनख्वाह 80,000 से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए करने की तैयारी जारी है।